रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजू एक बहुत ही गरीब आदमी था जो नाई की एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था। राजू अपनी पत्नी मीठी को लेकर काम की तलाश में शहर आया था। तब से ही वो दुकान पर नाई का काम करके अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही एक दिन वो दुकान पर एक आदमी के बाल काट रहा था, तभी उस आदमी के हिलने की वजह से कैंची बाल की जगह उसके गाल पर लग जाती है और उसके गाल से खून निकलने लगता है। और आदमी के कुछ कहने से पहले ही उस दुकान का मालिक महेश राजू से कहता है, राजू ये तूने क्या किया? ऐसे बाल काटते हैं क्या? तेरा ध्यान कहाँ था जो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी? देख जरा बेचारे के कितना खून निकल रहा है। मालिक मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने गलत कैंची नहीं चलाई। राजू तू तो अपने ही मालिक से जुबान लड़ा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कैंची तुझसे ही हिली है। हाँ मालिक कैंची मुझसे ही हिली है, लेकिन मेरी गलती की वजह से नहीं बल्कि इनकी वजह से, ये खुद ही हिले जिसकी वजह से मेरी कैंची गलत लग गई। तुम्हें ग्राहक बुलाना है या भगाना है? इस तरह से काम करोगे तो कौन आएगा हमारी दुकान पर? एक तो तुम्हारी गरीबी को देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी और तुम ऐसे काम करके ग्राहकों को तकलीफ देकर मेरा काम ही बंद कराना चाहते हो क्या? आप ये कैसी बात कर रहे हैं मालिक, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आखिर मेरी भी रोजी रोटी यहीं से चलती है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। ये एक बार नहीं इससे पहले भी हुआ है, अब मैं तुझे माफ नहीं करूँगा और ना ही अपने ग्राहकों को जाने दूंगा, इसीलिए तुम कहीं और नौकरी देख लो, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ बस। मालिक ऐसा मत करो, आप यहाँ से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? वो मुझे नहीं पता, बस अब मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता हूँ। महेश इतना कहकर राजू का हाथ पकड़कर उसे दुकान से बाहर धक्का मारता है और राजू रोते हुए अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी पत्नी मीठी उसे उदास देखकर उससे कहती है, क्या बात है जी, अभी तो आपके दुकान से आने का टाइम भी नहीं हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब मुझे घर में ही रहना है, मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना जाने भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा, कब हमारे दुख के दिन खत्म होंगे पता नहीं, लेकिन अब हिम्मत टूट रही है मीठी मेरी। ऐसे कैसे निकाल दिया, आप तो अपना काम इतने अच्छे से करते हैं फिर भी? मीठी मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी और सजा मुझे मिली। कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, बस ये सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है आगे कुछ अच्छा लिखा हो इसलिए आपकी नौकरी गई। इसमें अब क्या होगा, नौकरी नहीं है घर का खर्च कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, कमरे का किराया कैसे देंगे, नहीं दे पाए तो छत भी छिन जाएगी नौकरी की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके हुनर को किसी दुकान की जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं ना कि आपका काम अच्छा है तो बस ठीक है। तुम क्या कहना चाहती हो यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है आपके मालिक ने आपको दुकान से निकाल दिया है तो क्या हुआ, लेकिन आपको काम तो आता है ना, आप खुद थोड़ा बहुत सामान रखकर अपनी नाई की दुकान खोल लो, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। मीठी की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और उसे उम्मीद की किरण नजर आती है, जिसके बाद वो कुछ जरूरी सामान खरीद कर एक पेड़ के नीचे अपनी नाई की दुकान शुरू करता है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे उसकी नाई की दुकान थोड़ी अच्छी चलती है। तभी एक दिन वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि उसका पुराना मालिक महेश गुस्से में वहाँ आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ, मेरा ही सिखाया हुआ काम आज तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मेरी ही बराबरी करना चाहते हो ना? मालिक मैं कहाँ आपकी बराबरी कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही काम मिला था, कोई और काम कर लेते, मेरे सारे ग्राहक तुम अपनी इस छोटी सी दुकान पर बुला रहे हो। मालिक इसमें मेरी क्या गलती है, मैं आपके ग्राहकों को जबरदस्ती तो अपने पास नहीं बुला रहा हूँ ना, मैं आपकी दुकान पर इतने सालों से यही काम कर रहा था, लोग मुझे पहचानते हैं इसलिए आ रहे हैं। मैं तुम्हारी सारी चालाकी अच्छे से समझ रहा हूँ, अभी भी टाइम है, प्यार से समझा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके अपनी ये सड़क छाप नई की दुकान बंद करके अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से गाँव रवाना हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा मालिक आपकी धमकियों से डरकर, मैं इतनी दूर शहर में कुछ काम करने के लिए, कुछ बनने के लिए आया हूँ, वापस जाने के लिए नहीं। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता है, मैंने गलती करी जो तुझे अपने यहाँ काम पर रखा। महेश गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और राजू फिर से अपने कामों में लग जाता है। महेश गरीब राजू की नाई की दुकान हटाने का हर तरीका अपना लेता है, फिर चाहे उसको गुंडों के हाथों पिटवाना हो
या लोगों को कहकर उसकी दुकान पर तोड़फोड़ करवाना, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन दोपहर के समय राजू अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। तभी वहाँ एक आदमी हेयर कटिंग के लिए आता है और राजू को देखकर कहता है, आप ही हैं राजू नाई? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? वो मेरा एक दोस्त है जो अक्सर आपके यहाँ हेयर कटिंग के लिए आता रहता है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप काफी अच्छी हेयर कटिंग कर लेते हैं। मैं तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी से और दिल से करता हूँ, ये सोचकर कि दिल से किया गया कोई भी काम कभी बुरा नहीं होता, और मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आपके काम के बारे में तो लोगों से सुना ही है, लेकिन आज आपसे बात करके ये भी पता लगा कि आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी एक अच्छे इंसान हैं, वरना एक गरीब नाई से इतनी देर तक खड़े होकर बात नहीं करते। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे बालों की कटिंग करते करते अपने बारे में कुछ और बताइए। जी जरूर, क्यों नहीं। राजू उस आदमी के बालों की कटिंग करते हुए अपने जीवन के बारे में और काम के बारे में उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी दास्तान बताता है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी राजू से कहता है, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये तो पता लग गया कि तुम जितने दिल के अच्छे इंसान हो उतने ही ईमानदार भी हो और काम भी अच्छा कर लेते हो। बस थोड़ा कुछ और नया सीखने की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेरे दोस्त का एक सैलून है, अगर तुम वहाँ नौकरी करना चाहो तो मैं लगवा सकता हूँ। तुम्हें वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी और नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। जब तुम सारी चीजें सीख लोगे और पैसे जमा कर लोगे तो तुम भी अपना सैलून खोल लेना। वैसे बात तो ये आदमी सही कह रहा है, रोज रोज के डर से भी मुक्ति मिल जाएगी कि कब मालिक आकर मुझ गरीब की दुकान हटा देंगे, लेकिन एक बार इस बारे में मीठी से बात करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकते हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है, ये लो मेरा फोन नंबर, तुम्हारे जो भी जवाब हो मुझे बता देना फोन पर। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राजू अपने घर आता है और अपनी पत्नी मीठी को उस आदमी की सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद मीठी कहती है, ये तो बहुत अच्छा मौका है, आपने कल तक का समय क्यों मांगा, आपको तो तुरंत हाँ कर देनी चाहिए। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप अपने मालिक के यहाँ काम करते रहते तो आज आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। शायद तुम सही कह रही हो, लगता है अब हमारे भी दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल खत्म होंगे, क्योंकि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। अब आप कल बस हाँ कर दीजिए उस आदमी को। हाँ, मैं सुबह ही कॉल करता हूँ उसे। अगले दिन राजू उस आदमी को कॉल कर सैलून में काम करने के लिए हाँ करता है, जिसके बाद वो आदमी राजू को अपने साथ ले जाकर अपने दोस्त से मिलवाता है और उसे सैलून में नौकरी दिलवाता है। ऐसे ही समय निकलता है। समय के साथ अपनी मेहनत के बल पर वो जल्दी ही सारा काम सीख लेता है और कुछ ही समय में खुद का सैलून खोलकर मालिक बनकर बैठता है, और इस तरह से एक गरीब नाई वाला एक सैलून का मालिक बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।